नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया। आयुक्त सुपेरा कैंप 1 बैकुंठ धाम और खुर्सीपार स्थित यूनिट के शिविर स्थल पहुंचे और दवाइयां, मेडिकल स्टाफ, मरीजों की संख्या और उपचार को लेकर डॉक्टरों से जानकारियां ली। सभी के अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर उपचार, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर अस्पतालों का चक्कर काटने से राहत प्रदान करने प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा प्रदान की है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनुभवी चिकित्सा स्टाफ, विभिन्न प्रकार की जांच आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भिलाई में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ उठाकर लाखों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार मोबाइल मेडिकल यूनिट की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को आयुक्त ने सुपेला कैंप 1 बैकुंठ धाम और कुर्सीपार में चल रहे यूनिट का निरीक्षण किया। डॉक्टर से चर्चा कर दवाइयों, मेडिकल स्टाफ और मरीजों की संख्या को लेकर जानकारी ली। निगम आयुक्त ने इलाज कराने आए मरीजों से भी इलाज को लेकर चर्चा की, साथ ही दवाइयों का पर्याप्त स्टाफ रखने, मरीजों की विभिन्न प्रकार की जाँच आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने साथ चल रहे नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा को मोबाइल मेडिकल यूनिट के शिविर को लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दी। हमारी भिलाई निगम में 3 MMU चलते हैं, एक स्पेशल डायबिटीज क्लिनिक है जहां महिलाओं का इलाज किया जाता है और 2 MMU और MMU2 है। इसमें निःशुल्क रूप से सभी जो भी मरीज आते हैं उसको निःशुल्क रूप से इलाज किया जाता है, निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं, निःशुल्क उसमें 42 प्रकार के टेस्ट की सुविधा भी है। इसको हर महीने हम उपचार बनाते हैं, रेट बूट अप्रूव करते हैं, उसके अनुसार हमारा MMU सभी जगह वार्डों में संचालित होती है। इसमें लगभग 42 प्रकार के आप टेस्ट करा सकते हैं और हमारे पास लगभग 282 दवाइयाँ भी हैं जो निःशुल्क उनको उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इसके आरंभ होने से लाखों मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है, साथ ही अस्पतालों के चक्कर काटने से भी राहत मिली है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।